हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं 2017 का कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख सकते हो आप क्वेश्चन। तो चलो फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में बताना है इनमें से किसने समर्थन नहीं किया था, डिड नॉट एंडोर्स द व्यू दैट द प्रोटेक्टेड प्रिंस इन इंडिया वाया नियर फ्यूडरीज ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, जो भारत में संरक्षण प्राप्त नरेश मात्र ही ब्रिटिश जो ताज का सामंत थे। ठीक है फ्रेंड्स, जो प्रोटेक्टेड प्रिंस है इंडिया का, वो प्रोटेक्टेड प्रिंस मतलब ही ब्रिटिश जो फ्यूडरी का, ब्रिटिश ताज का सामंत होते थे। तो फ्रेंड्स, इस मत का समर्थन किसने नहीं किया था वो बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो ऑप्शन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन है सर लेविस टूपर, सेकंड ऑप्शन है विटन, एंड थर्ड ऑप्शन है ड्यूक ऑफ अर्किल, एंड फोर्थ ऑप्शन है सर विलियम ली वर्नर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये ना बहुत ही मतलब एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप सबको याद रखना पड़ेगा। तो चलो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ली वर्नर ने ही इस मत का समर्थन नहीं किया था कि जो भारत में जो प्रोटेक्टेड प्रिंस है, वो प्रोटेक्टेड मींस मतलब ही ब्रिटिश ताज का सामंत थे, इस मत का समर्थन नहीं किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये सर विलियम ली वर्नर थे ना, ये 1894 में ये फ्यूडरीज ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ये पब्लिश किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और जो बाद में जाके 1910 में जाकर जो नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया इसमें रिवाइज्ड हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इस साथ साथ आप ये भी याद रख लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में ना क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना पड़ेगा जो बिल्डिंग्स है, जो सब शाहजहाँ के टाइम पे ही बना हुआ है, तो इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं। तो फर्स्ट है दीवानी आम इन आगरा फोर्ट, सेकेंड ऑप्शन है मोती मस्जिद इन आगरा फोर्ट, थर्ड ऑप्शन है ताजमहल आगरा, एंड फोर्थ है जामा मस्जिद शाहजहानाबाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये जो दीवानी आम है, जो पब्लिक लोगों से, जो आम लोगों से बातचीत करने के लिए एक ऑडियंस हॉल बनाया गया था, इसलिए दीवानी आम है, इसका नाम आम रखा है दीवानी आम, क्योंकि ये आम लोगों से बात करने के लिए रखा गया था। तो फ्रेंड्स ये बिल्ड हुआ था 1631 से लेकर 40 के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, और जो मोती मस्जिद बिल्ड हुआ था 1648 से 54 तक ये बन गया था। और फ्रेंड्स ये ताजमहल 1631 में शुरू हुआ था और कंप्लीट हो गया था 48 तक। और जामा मस्जिद जो शुरू हुआ था 1644 में और ख़त्म हो गया था 1656 में। क्लियर है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स इसको ना स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक कब से शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ, उसके हिसाब से इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो चलो फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो डेट तो हमें मिल गया, अब अरेंज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें फर्स्ट आएगा दीवानी आम इन आगरा फोर्ट, उसके बाद आएगा ताजमहल। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद फिर आएगा मोती मस्जिद इन आगरा, और उसके बाद आएगा जामा मस्जिद शाहजहानाबाद, वो लास्ट में आएगा। तो जो सीक्वेंस क्या बनता है, 1, तो उसके बाद बनता है 3, उसके बाद होगा 4, 2, और उसके बाद होगा लास्ट होगा 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये फ्रेंड्स ये चारों का जो ये इमारत है, ये बनाया था शाहजहाँ के टाइम पर ही ये बने हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आप ध्यान रख लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में बताना है ड्यूरिंग हिज कन्वर्सेशन विथ औरंगजेब, बातचीत कर रहा था मिर्जा मुकर्रम सफाफी
आस्क हिम टू एक्सप्रेस हिज व्यूज ऑन म्यूजिक। तो म्यूजिक के बारे में मिर्जा मुकर्रम सफावी औरंगजेब के साथ जो जब बातचीत कर रहे थे, तो म्यूजिक के बारे में उसका क्या व्यू था ये बताने को बोला था औरंगजेब को। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ औरंगजेब इज नॉट ट्रू ऑन म्यूजिक। तो औरंगजेब जो बताया था, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं है। ठीक है, चलो देख लेते हैं ऑप्शन। तो फ्रेंड्स देखो, इनमें फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट जो है वो बताना है म्यूजिक वॉज मुभा, दैट मीन्स नीदर गुड और बैड। म्यूजिक मुभा है, वो अच्छा ना, वो अच्छा भी नहीं और बुरा भी नहीं। ये भी तो फ्रेंड्स ये करेक्ट है और ये ठीक सही है। और फ्रेंड्स ऑप्शन ये दो है, आई डिसलाइक इंस्ट्रूमेंटल एंड वोकल म्यूजिक। तो फ्रेंड्स सेकेंड ऑप्शन में बताया है जो औरंगजेब जो इंस्ट्रूमेंटल एंड वोकल म्यूजिक को पसंद नहीं करते थे। तो फ्रेंड्स ये करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि औरंगजेब ये पसंद करते थे, वो फ्लूट सुनते थे, पखावाज सुनते थे। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन थ्री है, आई कैन नॉट लिसन टू म्यूजिक। और जो फ्रेंड ये थर्ड है, तो इसमें बोला गया है जो आई कैन नॉट लिसन टू म्यूजिक विदाउट फ्लूट स्पेशली पखावाज। हाँ ये सही है, जो औरंगजेब फ्लूट्स स्पेशली जो पखावाज होते हैं उसके अलावा म्यूजिक नहीं सुनते थे। और ये फोर है, फ्लूट्स आर मोस्टली प्रोहिबिटेड हरम सो आई लेफ्ट म्यूजिक। तो उन्होंने बताया था हरम में फ्लूट्स नहीं यूज होता, इसलिए उन्होंने लेफ्ट में म्यूजिक को लेफ्ट किया था, क्योंकि जो फ्लूट्स है वो हरम के खिलाफ थे, इसलिए मोस्टली प्रो इसलिए म्यूजिक नहीं सुनता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स देखो, इसका ऑप्शन इसका आंसर भी कोड में देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग हम आंसर होगा 1, 3 and 4। फ्रेंड्स ऑप्शन डी में है, तो ये करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। और ये जो 2 है ये नहीं होगा, डिसलाइक नहीं करता था इंस्ट्रूमेंटल एंड वोकल म्यूजिक। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रॉयल वुमेन असाइन लैंड फ्रॉम हर फॉर ग्रेजिंग काउज। तो फ्रेंड्स इनमें मुगल घराने से कौन सा रॉयल शाही वुमेन था जिन्होंने अपना जागीर दे दी थी गाय को चराने के लिए, जो काऊ के चराने के लिए, ग्रेजिंग काऊ के चराने के लिए ये जमीन दे दी थी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन देख लेते हैं, हमीदा बानो बेगम, मोहम अंगा, नूर जहान एंड मुमताज महल। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, हमीदा बानो बेगम जो हुमायूं का सेकेंड वाइफ था एंड अकबर का माता भी था। और फ्रेंड्स ये हमीदा बानो बेगम ही अपने जागीर को जो गाय के चराने के लिए दे दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है ये बताना है। तो इन चलो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए में ए है, इन सरकार जो सरकार है टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ सूबा, जो सूबा का सरकार डिवीजन है सरकार, तो इनमें नंबर ऑफ ऑफिशियल अपॉइंट किया जाता था, बहुत सारे ऑफिशियल ऑफिसर्स अपॉइंट नियुक्त किया जाता था। ऑप्शन बी है, द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ सरकार कॉल्ड फौजदार, जो हाईएस्ट ऑफिसर्स है सरकार का वो फौजदार कहलाते थे। और ऑप्शन सी है, वन ऑफ द ऑफिसर वाज कॉल्ड प्रधान ऑफ द सरकार, और अधिकारियों में से एक को सरकार का प्रधान कहा जाता था। ऑप्शन डी है, द ड्यूटी ऑफ फौजदार वाज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज सरकार, जो फौजदार का कर्तव्य है वो अपनी सरकार में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना होता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जो प्रधान जो अधिकारियों में से एक को सरकार का प्रधान कहा जाता है, तो ये गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ये गलत है। और फिर थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो सूबा था उसको डिवाइड किया जाता था सरकार में, और जो सरकार को फर्दर डिवाइड किया जाता था परगना में। तो ठीक है फ्रेंड्स, और जो सरकार और जो विलेज का
फौजदार होते थे वो रिस्पॉन्सिबल था लॉ एंड ऑर्डर के लिए एंड चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ सरकार था। जो फौजदार वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ हेड था सरकार का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो ही जाएगा। और ये सरकार जो सूबा था उसको फर्दर डिवाइडेड किया जाता था सरकार में, और सरकार फर्दर डिवाइडेड होते थे परगना में, और उसके बाद जो विलेज होता है। तो ये सीक्वेंस है। और जो फौजदार का ड्यूटी है वो भी मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर का है सरकार में, उसका लॉ एंड व्यवस्था को जो ठीक से देखना पड़ता था। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।